हे गाइस, आई एम बैक एंड दिवाली इज ऑन द वे। दो दिन के बाद से हमारा दिवाली फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा। ढेर सारी मिठाइयाँ, ढेर सारे स्नैक्स, ढेर सारी रेसिपीज, पकवान, लाइटिंग, डेकोरेशंस, और बस हमारे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे हम अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए बिना गिल्ट फ्री हम स्वीट्स खा सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं और अपने इस दिवाली को ज़ोरदार से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं ड्रीम फिट 2020। आज मैं आपके लिए 8 इफ़ेक्टिव टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपना दिवाली बहुत ही हेल्दी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम दिवाली का त्यौहार जो होता है, दिवाली का त्यौहार लाइट का त्यौहार होता है, डेकोरेशंस होती हैं, ढेर सारी धूमधाम होते हैं, फन होते हैं, हंसी मजाक होते हैं, दोस्तों से मिलना, परिवार वालों से मिलना, ढेर सारे पकवान। मतलब इंडिया में अगर कोई त्यौहार है और पकवान और स्वीट्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया हमारा बहुत फेमस है, एक से एक पकवान यहाँ पर होते हैं, खासकर दिवाली और दशहरा तो हमारे मेन फेस्टिवल हैं। सो दिस दिवाली मीन्स बहुत सारी स्वीट्स बनने वाली हैं सबके यहाँ, बहुत सारी डेकोरेशंस होने वाले हैं, लाइटिंग्स होने वाली हैं, बहुत जगह तो तैयारी चालू भी हो गई। मैंने अभी नहीं शुरू किया है, एक दो दिन में मुझे भी शुरू करना है। ढेर सारे पकवान बनने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसका पता हमको फेस्टिवल के बाद चलता है। जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तब लगता है, अरे ये क्या हो गया, एक हफ्ते में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आपको अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, आपको मिरर देख करके कोई भी पछतावा ना हो कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को शेप में वापस लाया है। तो आप अपने एफर्ट को ख़राब ना जाने दें, और जो मेहनत आपने अपने बॉडी के ऊपर की है, अपने शरीर को बनाने के लिए की है, वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, राइट? तो आज मैं आपके साथ 8 इफ़ेक्टिव टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी दिवाली को हेल्दी रखेगा। सो फर्स्ट टिप इज़ डोंट स्किप योर एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे ये फिर से हमको एक्सरसाइज कराने लगे। डेफिनेटली मैं हूँ ही यहाँ इसलिए कि मैं खुद भी एक्सरसाइज करूँ और आपको भी एक्सरसाइज करूँ और आपको फिट ही रखूँ मैं। तो आज हमारा फर्स्ट टिप है डोंट स्किप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में ही जाकर हिट करना है, जिम में ही एक्सरसाइज करना है। आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, घर में होम वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 मिनट्स HIIT कीजिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, आपके सारे जॉइंट्स, सारे मसल्स फ्री रहेंगे। और अगर आपने गलती से भी हाई कैलोरीज और ज़्यादा स्नैकिंग की है तो वो आपको कैलोरी बर्न करने में, फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है, तो सो डोंट स्किप योर एक्सरसाइज, राइट? सेकेंड टिप इज मेक स्वीट एट होम। आपको दिवाली में, वैसे भी कोरोना की वजह से हम मार्केट का सामान अभी परचेज नहीं कर रहे हैं, मार्केट्स के जो स्वीट्स हैं हम अभी घर नहीं ला रहे हैं, तो आपको क्या करना है इस दिवाली में, आप घर में ही स्वीट्स प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि घर में जो स्वीट्स हम बनाते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हमें पता रहते हैं, हम कौन से ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा घी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं स्वीट्स बनाने को, वी नो वेरी वेल। आप मार्केट से जो स्वीट्स लाते हो उसके इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं रहता है, वो कौन से तेल में उसको फ्राई किया गया है और बनाया गया है, वो उस चीज़ का आपको पता नहीं रहता है, जो कि सही नहीं है आपके हेल्थ के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको हेल्दी इंग्रेडिएंट्स चूज़ करना है। इंस्टेड ऑफ ऑयल आप घी यूज़ कीजिए, ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, मल्टीग्रेन वीट्स यूज़ कीजिए, आपको वाइट फ्लावर मैदा वो यूज़ नहीं करना है स्वीट्स के लिए। शुगर की जगह पर आप नेचुरल स्वीटनर यूज़ कीजिए, आप डेट यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट जैगरी, कोकोनट शुगर यूज़ कर सकते हैं, जैगरी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं गाइस। स्वीटनेस आपको अपने उसमें बनाने के लिए, आपके स्वीट टूथ भी आपकी रह जाएगी, आपको स्वीट खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी आपकी शांत हो जाएगी, आप अपने स्वीट की इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और आप बहुत हेल्दी वे में उसको कंप्लीट करेंगे, राइट? थर्ड ऑप्शन इज़
ईट इन स्मॉलर प्लेट। मतलब डेफिनेटली अब इतने सारे स्नैक बन रहे हैं, इतने सारे, तो हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? ठीक है, तो हमको खाना तो है लेकिन यूज़ करना है स्मॉल प्लेट, स्मॉल बोल यूज़ कीजिए। आप सारे जो पकवान है थोड़े थोड़े ले लिए, ये नहीं कि एक हाथ अभी मुंह में है और दूसरा हाथ दूसरे स्नैक पे है, राइट? तो अभी हमको क्या करना है, हमको एक छोटी प्लेट लेना है और उसमें जो भी स्नैकिंग करनी है और उसको रिपीट नहीं करना है, राइट? और इस स्नैकिंग के समय, क्योंकि अभी जो दिवाली में हम स्वीट्स बनाते हैं और जो स्नैक्स बनते हैं वो डेफिनेटली बहुत हाई कैलोरिक रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको स्मॉल अमाउंट में ही उसको इनटेक करना है, राइट? थर्ड ऑप्शन इज स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड मींस आपको वाटर इनटेक, एटलीस्ट 10 टू 12 ग्लास वाटर आपको डेली इनटेक करना है। ठंड आ रही है, आप ठंड नॉर्मल पानी नहीं पी सकते हैं तो उसको थोड़ा सा लूक वार्म कर लीजिए, हल्का सा कुनकुना पानी पी लीजिए, लेकिन वाटर इनटेक ज़रूर रखिए। ये आपको डिटॉक्स करने में, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। आपकी बॉडी जो रहती है वो खुद ब खुद, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपने आप को फ्लश आउट कर सकती है, बॉडी को डिटॉक्स कर सकती है। लेकिन जब हम इस तरह की स्नैकिंग करते हैं, खासकर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जब हम इस तरह के हाई कैलोरिक फूड कंज्यूम करते हैं, स्वीट्स कंज्यूम करते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है और वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स नहीं हो पाती है। तो बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स हो, इस वजह से आपको वाटर इनटेक करते रहना है। एक मैं आपसे स्मॉल ट्रिक है, ये मैं आपको स्पेशली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आपको इस तरह की स्नैकिंग करनी हो, जब भी आप स्वीट्स खा रहे हों, इस तरह के ऑयली फूड खा रहे हों, तो ज़रूर हाफ एन आवर पहले आप एक ग्लास पानी का ले लीजिए और खाने के बाद हाफ एन आवर और 40 मिनट्स के बाद आप ज़रूर पानी पीजिए। उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो अनवांटेड फैट हैं और इस तरह के जो टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और वो फ्लश हो जाते हैं। आपको हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी को, आपको अपने डाइट में लेमन वाटर यूज़ कीजिए, ज़रूर ऐड कीजिए, और आप जूसेस ऐड कर सकते हैं, स्मूदी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको हमेशा फुल फील होगा, आपका स्टमक फुल रहेगा, आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी इस तरह के स्नैकिंग की और स्वीट्स की। बट डेफिनेटली फेस्टिवल है तो स्वीट्स तो आपको खाने ही हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, आपकी बॉडी में वाटर रहता है, तो आपको इस तरह की क्रेविंग नहीं होगी कि एक स्वीट के बाद मैं दूसरा लूँ, राइट? So stay hydrated. And fifth tip is do not skip your meal. अब क्योंकि दिवाली का टाइम है, पार्टी का टाइम है, फ्रेंड्स मिलेंगे, फैमिली मिलेंगे, तो हम रातों बैठे रहते हैं, रात भर जगते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, गपशप चलती रहती हैं, और उसी में हमारा खाना पीना भी चलता रहता है। और ख़ासकर जब दिवाली की प्री दिवाली पार्टी होती है या पोस्ट दिवाली पार्टी होती है, तो हम उसको सेलिब्रेट करते करते सबसे मिलते जुलते इतना लेट हो जाता है कि हमारा जो मील टाइम होता है वो पोस्टपोन हो जाता है। तो गाइस, आपको मील टाइम अपना पोस्टपोन नहीं करना है, आपका जो टाइम है उसी टाइम में आपको अपना मील कंज्यूम करना है। आप थोड़ा खाइए लेकिन ज़रूर खाइए, उससे आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि रात में अगर पार्टी हमको सेलिब्रेट करनी है, फ्रेंड्स के साथ मिलना है, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है, तो हम दिन भर भूखे रहते हैं कि रात में हम इकट्ठे खाएंगे, ठीक है? बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। अगर हमारा मील टाइम है ब्रेकफास्ट का, लंच का, मिड मील्स का, इवन नाइट का, तो आपको ज़रूर थोड़ा सा जो भी आपका मील टाइम है, आपको उस समय अपना फूड इनटेक करना है कि आप ओवर ईटिंग ना करें। हम क्या करते हैं, अगर इतना लंबा फास्टिंग होने के बाद जब हम रात में पार्टीज़ करते हैं, रात में जब हम अपना मील लेते हैं, तो वो हम इतने हाई कैलोरिक फूड हो जाती है, वो हमारी बॉडी के लिए कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम ओवर ईटिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप अपना मील स्किप ना करिए, आप अपना मील टाइम पे लीजिए, और उसके साथ साथ आपको वाटर इनटेक और लिक्विड्स लेते रहना है कि आप ओवर ईटिंग ना करें, राइट? सिक्स टिप इज ईट एंड ऑफर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स। मींस
डेफिनेटली फेस्टिवल का त्यौहार है तो हम स्वीट्स बनाते हैं, स्वीट्स खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। पोस्ट दिवाली हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि जो हमारे यहाँ विजिट नहीं कर पाता है उसको प्रसाद के रूप में और प्रसाद की तरह हम जाके उनको स्वीट्स देते हैं, उनके यहाँ से भी स्वीट्स आते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, एक तो हुआ कि हमको होममेड स्वीट्स बनाने हैं, होममेड ही स्वीट्स यूज़ करने हैं जो कि हेल्दी ऑप्शन हो, और सेकेंड है अगर आपको इस तरह से किसी को ऑफ़र करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ड्राई फ्रूट्स उनको ऑफ़र कीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स से हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी अल्टरनेटिव और कुछ हो ही नहीं सकता है। इंस्टेड ऑफ ऑयली फूड, इंस्टेड ऑफ ऑयली स्नैक्स, आप उनको हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी ऑफ़र दीजिए ड्राई फ्रूट्स का, ठीक है। तो आप ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए, फ्रूट बास्केट उनको गिफ्ट कीजिए, आप उनको ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट कीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी हेल्थ पे भी असर नहीं पड़ेगा, राइट। सेवेंथ ऑप्शन इज रेलिश योर ट्रीट। रेलिश योर ट्रीट मीन्स ग्रेट इंजॉयमेंट। अब जो भी खा रहे हैं, जो भी स्वीट्स खा रहे हैं, जो भी स्नैक खा रहे हैं, उसको आप माइंडफुल खाइए, स्लोली खाइए कि आप टेस्ट उसका ले सकें, आप उसको इंजॉय कर सकें, राइट। उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी और आराम से खाने से, च्यू प्रॉपर करने से आपका माइंड आपको थोड़ी देर के बाद इंडिकेशन देगा, बस यार आप फुल हो चुके हो, अब आप बस करो, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो हमारा दिमाग है, बहुत स्मार्ट है, इसीलिए बोला गया है कि 32 बार 32 टाइम्स हमको कोई भी चीज़, कोई भी बाइट च्यू करके खाना है, क्योंकि 20 मिनट के बाद हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हमें बस करना है, हमारा स्टमक फुल हो गया। लेकिन वी आर वेरी स्मार्ट, राइट। हम क्या होता है, जब खाना शुरू करते हैं ना तो हमारा खाना पे ध्यान तो एक, हम एक हाथ से खा रहे हैं, दूसरा ध्यान हमारा खाने पे रहता है, इसके बाद हमको वो खाना है, बट दिस टाइम नो। आपको क्या करना है, आपको हर एक बाइट को इंजॉय करना है और संतुष्टि से माइंडफुल आपको खाना है कि आप अपने ट्रीट को, अपने फूड को इंजॉय कर सको, राइट। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप इज से टोटली नो टू अल्कोहल एंड अल्कोहल बेवरेजेस। अल्कोहल में क्या होता है, एक तो तीज त्यौहार में अगर कोई अल्कोहल सर्व करता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर इट्स टोटली चेंज हो जाता है उसकी वजह से। अल्कोहल बेवरेजेस भी आ गए हैं जो कि फुल लोडेड विथ शुगर, शुगर से पूरे भरपूर और एकदम लुप्त रहते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने इतना एफर्ट लगाया है अपनी बॉडी पे, अपने हेल्थ को बनाने के लिए, तो आपकी ड्यूटी है कि आप विल पावर्स अपना यूज़ कीजिए और टोटली नो कहें अगर कोई आपको ऑफ़र करता है अल्कोहल। फिर भी अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो एक टिप है कि आप अल्कोहल अगर मॉडरेट वे में कंज्यूम कर रहे हैं, मॉडरेशन में ले रहे हैं, तो उससे पहले आप ज़रूर थोड़ा कुछ खा लीजिए, और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपको इतना ही अल्कोहल कंज्यूम करना है कि आपको ध्यान रहे कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, उसके बाद आप अच्छे से बॉडी को हाइड्रेट करो, क्योंकि हैवी अल्कोहल कंज्यूम करने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती, डिहाइड्रेट हो जाती है टोटली। तो आपको वाटर कंज्यूम करते रहना है, और अगर आपको मालूम है कि आप नहीं नहीं बोल सकते और आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, अल्कोहल लेना ही है या बेवरेजेस लेने ही हैं अल्कोहलिक, तो आपको उसके पहले, थोड़ी देर पहले आप ज़रूर कुछ खा लीजिए कि वो अंडर कंट्रोल रहे। बेवरेजेस के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप हेल्दी जूसेस ले सकते हैं, स्मूदीज ले सकते हैं, बहुत प्यास लग रही है तो पानी पी लीजिए, लेकिन से कम्प्लीटली नो टू अल्कोहल। दिवाली है, फेस्टिवल है, परिवार के साथ मनाइए, फ्रेंड्स के साथ मनाइए, अपने लिए सेलिब्रेट कीजिए और हेल्दी वे में सेलिब्रेट कीजिए। दिस दिवाली मीन्स, दिवाली मीन्स लाइट, डेकोरेशन एंड फुल ऑफ इंजॉयमेंट। तो पूरी तरह से आप इस दिवाली को इंजॉय कीजिए। इस दिवाली में आइए हम एक प्लेज लेते हैं कि दिस दिवाली मेक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, विल शेड ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स, ऑल द स्ट्रेस, ऑल द फैट, एवरीथिंग हम शेड करेंगे, हम लूज करेंगे और हेल्दी वे से सेलिब्रेट करेंगे दिवाली, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने आप के लिए। तो इस टिप्स को आप यूज़ करके आप अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं और आप प्रॉपर शेप में रह सकते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी दिवाली एंड फॉलो माई मंत्रा, चुस्त दुरुस्त एंड तंदुरुस्त।